हेलो गाइस, भाई आज मैं हूँ टाटा के डीलरशिप के अंदर जिसका नाम है टेलमोस टाटा डीलरशिप हिसार। और गाइस आज हम बात करने वाला हूँ टाटा की इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार के अंदर, जो कि आपको ग्लोबली 5 रेटिंग के साथ आने वाली है। गाइस आप सभी को इस वीडियो में इस कार की सारी जानकारी मिलने वाली है, हमें आउटर साइड में, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, कार के अंदर हमें क्या फीचर मिलेंगे। अगर आपको वो सब जानना है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइज आप देख रहे हैं कार की आउटर साइड, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, मैं कार की आपको की दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको जैक नाइफ की मिलेगी, जिसके अंदर आपको लॉक के, अनलॉक के, और आप अपनी कार के जो आप ये हेडलैम्प देख रहे हैं इनको आप यहीं से ही ऑन कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा कार का। और गाइज जो कार के साइड मिरर है, आपको ये की के द्वारा फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊँगा, मैंने कार को लॉक किया, अपने मिरर ये फोल्ड हो जाएंगे। अगर मैं कार को अनलॉक करता हूँ, अपने मिरर से ये अनफोल्ड हो जाएंगे। कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि आपको इस सेगमेंट के अंदर शायद ही किसी कार के अंदर आपको देखने को मिलते होंगे, जो कि आपको इस कार के अंदर मिलेंगे। गाइस आप फ्रंट से कार का मिरर देख रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छा मिरर मिलने वाला है, जिसके कारण आपकी विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी रहेगी। गाइस इसके अंदर आपको हिडन वॉशर मिलने वाले हैं। जैसे कि कई कारों में क्या होता है, उनका जो बोनट है यहाँ पे उनके वॉशर होते हैं, लेकिन आपको इस कार के अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये वॉशर मिलेंगे। आप कार के बोनट को देख रहे हैं सर, आपको बोनट के ऊपर क्रीज लाइन मिलती है, इसके कारण क्या हो रहा है, कार का जो लुक है काफ़ी इनहेंस होकर आ रहा है। आप कार के हेडलैम्प डिज़ाइन को देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लैम्प मिलेंगे, साथ में आपको यहाँ पे डियाल्स मिलेंगे, आपको इसके साथ में ही हैलोजन बल्ब मिलेंगे, आपको इसके अंदर क्रोम की फिनिशिंग भी मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये भी मिल रही है। गाइज आप अगर थोड़ा सा हल्का सा साइड में आओगे तो यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है। गाइज आपको इसके अंदर नेक्सोन की ब्रांडिंग भी मिल रही है। गाइज आपको इसके नीचे फोग लैम्प नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको फोग लैम्प की प्लेसिंग मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे इंडिकेटर ये मिलने वाले हैं। इसके भी सराउंडिंग आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है। आपको इसके सराउंडिंग मैट ब्लैक फिनिशिंग है ये भी मिलने वाली है। अगर आप कार की ग्रिल को देख रहे हैं तो गाइज आपको ग्रिल के अंदर भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है, ताकि कार का जो लुक है काफ़ी उभर के आ रहा है। इसके नीचे आपको यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग है ये मिलेगी, सेंटर में आपको ब्रांड का लोगो मिलेगा जो कि आपको क्रोम के साथ मिलने वाला है। इसके अंदर ही आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है। इसके नीचे आपको काफ़ी वाइड एयर डैम मिलेगा, जिसके सराउंडिंग आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है। गाइज प्लीज़ आप एक पैसा कमेंट करना, आपको कार की फ्रंट लुक है वो कैसी लगी, अगर हम आ रहे हैं कार की साइड लुक की तरफ यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। इसके आपको सराउंडिंग कई कारों में क्या होता है, यहाँ पे आपको क्रोम मिलता है, लेकिन आपको इस कार के अंदर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे वाइट कलर की फिनिशिंग है ये मिल रही है। आपको इसके अंदर ये रूफ रेल भी मिलेगी, जो कि आपको 2 कलर से मिलने वाली है। आपको यहाँ पे सिल्वर कलर मिलेगा, साथ में आपको यहाँ मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग है ये मिलेगी। आपको डोर हैंडल देख रहे हैं, ये भी आपको मैट ब्लैक कलर के मिलेंगे। अपर वेंट्स में आपको बॉडी कलर मिलने वाले हैं। अब आप कार के टायर साइज को देख रहे हैं गाइस, इसके अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, बैक में ड्रम ब्रेक, ABS प्लस EBD, और आपको यहाँ पे व्हील कैप है ये भी मिल रहा है, कि आपको यहाँ पे ये सिल्वर कलर का मिलेगा। अगर हम टायर साइज की तरफ देखें, आपको 195/60R 16 इंच का टायर मिल रहा है। गाइस जो ये कार है टाटा की नेक्सोन, ये सब 4 मीटर के अंदर आने वाली इनकी SUV है, और काफ़ी ज़्यादा आपको शानदार ये SUV मिलेगी, काफ़ी आपको स्पोर्टी लुक में ये मिलने वाली है। गाइज आपको विथ कार की 1811 mm की आपको कार की विथ है वो मिलेगी, हाइट 1606 की आपको mm की आपको कार की हाइट है वो मिलेगी, व्हील बेस 2498 mm का आपको कार का व्हील बेस है वो मिल रहा है। और गाइज आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी 209 mm का आपको कार का ग्राउंड क्लियरेंस है ये मिल रहा है, जो कि आपको काफ़ी हाई रहेगा। किसी भी रफ रोड के अंदर अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार की। प्लीज़ आप एक पैसा कमेंट करना, आपको कार की साइड लुक है वो कैसी लगी। अगर हम आ रहे हैं कार की बैक लुक की तरफ, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं बैक साइड से ही FM की रेंज को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे एंटेना मिलेगा, और आपको इसके साथ ही अटैच ये स्पॉइलर मिलेगा। इसके सेंटर में आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लाइट मिलेगा, डिफोगर वाइपर नहीं मिलेगा आपको बैक के मिरर के अंदर। गाइज आपको बैक साइड की जो हमारी टेल लाइट्स हैं ये आपको ट्राई एरो
LED टेल लाइट से ये मिलेंगी, जो कि आपको काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर मैं इनको ऑन करके दिखाऊँ कि हमें इनका लुक है वो कैसे मिलेगा, आपने भी चेक किया कि लुक के मामले में आपको मैं दिखा भी रहा हूँ दोनों की तरफ। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको वाइट कलर की फिनिशिंग है ये मिल रही है, सेंटर में आपको ब्रांड का लोगो है ये मिल रहा है क्रोम के साथ, और गाइस आपको इसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है, इसके नीचे भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है, इसके नीचे आपको यहाँ पे नेक्सोन की ब्रांडिंग मिल रही है, बैक साइड से आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर मिलेंगे। गाइस आप देख रहे हैं जो बैक का लोअर पार्ट है यहाँ पे ये थोड़ा सा ये उठा हुआ है, ताकि आपको एक ऐसी शेप मिलने वाली है, थोड़ी यहाँ से उठा हुआ फिर थोड़ा ये डीपली जाता है अंदर की तरफ, फिर यहाँ से फिर ये उठ के आता है। ये इसके कारण क्या हो रहा है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो काफ़ी स्पोर्टी लुक भी मिलेगा। गाइस इसके अंदर आपको 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिलेगी। गाइस आपको बूट अंदर से खोलना पड़ेगा, बूट वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आपको बूट यहीं पे अंदर से खोलना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मैं यहाँ पे देखूँगा बूट खोलने का कहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिलेगा बूट खोलने का। गाइस आपने यहाँ पे चेक किए डैशबोर्ड पे, आपको इस बटन को प्रेस करना है और अपना बूट ये ओपन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर है गाइस, आप अंदर से अपने बूट को खोल पाओगे। आपको 350 लीटर का कार का बूट स्पेस मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको ये बूट लैम्प भी मिलेगा, और गाइस आपको पार्सल ट्रेनिंग मिलेगी अपर वेंट से मिलने वाली है। इसके नीचे आपको यहाँ पे स्पेरेबल टायर ये मिल रहा है, साथ में आपको यहाँ पे टूल की टाइम मिल रही है। गाइस प्लीज़ आप एक पैसा कमेंट करना, आपको कार की आउटर साइड है वो कैसी लगी, फीचर वाइज आपको कैसी लगी। गाइस चलिए हम जाते हैं कार की सेकंड रो में, देखेंगे हम यहाँ पे हमें क्या स्पेस मिलेगा, फीचर हमें क्या मिलने वाले। ये कार का XM वेंट है, तो XM वेंट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, हम पहले डोर्स की बात करते हैं। इसके अंदर आपको स्पीकर मिलने वाले हैं, इधर ही आपको अंदर डोर हैंडल मिले मैट ब्लैक में, साथ में आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिलेगी, पावर विंडो, और आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी अच्छा मिला है, और आपको यहाँ पे बोटल होल्डर भी मिलने वाला है। अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगी मुझे कितना स्पेस मिलेगा कार की सेकंड रो, और स्पेस वाइज बता देता हूँ आपको स्पेस कैसे मिल रहा है। फीचर के मामले में आपको जो रियर एसी वेंट है वो मिसिंग है इस वेंट के अंदर आपको, लेकिन स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है, वो मैं क्यों बता रहा हूँ। गाइस आपने अगर नोटिस किया हुआ हमारी फर्स्ट रो की सीट है ना, ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला है डिज़ाइन, ये थोड़ी अंदर की तरफ है, यहाँ से ये इसके अंदर जाई हुई है और यहाँ से थोड़ी उठी हुई है, तो इसके कारण क्या हो रहा है स्पेस आपको इतना मिलने वाला है। गाइस मेरी हाइट 6'4" के राउंड है, और फिर भी आप मेरा स्पेस चेक कर रहे हैं कार की सेकंड रो में, स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है सेकंड रो में, और मेरी हाइट के 3 बंदे इजीली कार के अंदर बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, बस आपको बीच में एक हम मिलेगा। सेकंड रो में आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलने वाला, और जो हेडरेस्ट है आपको ये सीट के साथ ही अटैच मिलेंगे, आपको ये मैनुअली नहीं मिलने वाले, अपर वेंट्स में आपको ये मैनुअली मिल जाएंगे। और आप ये लुक चेक कर रहे हैं फर्स्ट रो का, सेकंड रो से कुछ ऐसा आने वाला है। अब चलिए हम बात करते हैं हमें फर्स्ट रो में क्या मिल रहा है, उससे पहले प्लीज़ आप एक पैसा कमेंट करना, आपको कार की सेकंड रो है वो कैसी लगी। अब हम कार के फर्स्ट रो में आएंगे, आप कार की विड्थ है वो चेक करना, आपको विड्थ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। डोर्स पे गाइस आपको चारों पावर विंडो मिलेगी, जो हमारी ड्राइवर साइड है ये आपको ऑटो मिलने वाली है, ये आपको मिरर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। गाइस आपको सीट के अंदर अपनी हाइट के नीड के हिसाब से आप इनको सेट नहीं कर सकते, आपको ये सिंपल मिलती है जो कि आपको और कारों के अंदर मिलती है, अपर वेंट्स में आपको यहाँ पे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इन सीट को सेट कर सकते हैं। अपर वेंट्स के अंदर आपको इस इवेंट के अंदर नहीं मिलेगी, अपर वेंट्स के अंदर आपको मिलने वाली है, जहाँ पे आप अपनी की को लगाते हो यहाँ पे आपको ये लाइट भी मिलेगी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो आपको ये वाइट कलर की मिलेगी, ताकि आपको नाइट के समय अपनी की जो प्लेसिंग है वो विजिबल होए। इसके अंदर आपको डेड पेडल भी मिलने वाला है, जो कि आपको हाईवे के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसका स्पीडोमीटर ऑन करते हैं, जो कि आपको फुली डिजिटल मीटर मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कितना बड़ी आपको इंटरफेस है वो मिला है, कॉपीराइट आ जाएगा भाई, बंद कर देगा नहीं। आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक में मिलने वाला है, सेंटर में आपको एक डिस्प्ले मिलेगी। गाइस आपने शायद ही किसी और कार के अंदर जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिलेगी उसके अंदर आपने 3 मोड चेक किए होंगे,
आपके मन में डाउट हो यार वो तीन मोड कौन से बोल रहा है वीरेंद्र भाई, यार तीन मोड गाइज वो बोल रहा हूँ जिसमें आपको इको, सिटी और स्पोर्ट मोड मिल रहा है, जो कि आपको इस कार के अंदर कुछ हटकर बना रहे हैं। और आपको तीन मोड मिलते हैं अपनी नीड के हिसाब से, आप इनको ड्राइव कर सकते हैं। गाइज आपको इसके अंदर सेंटर में एक डिस्प्ले मिलेगी जिसके अंदर आपकी स्पीड शो होने वाली है। अपनी कार के अंदर कोई इशू है तो आपको यहाँ पे वो भी शोएगा, अपनी कार के अंदर कितना फ्यूल है, अपनी कार की एवरेज क्या है, आपको क्या मिल रही है और अपना टाइम क्या शो हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, कार का टेम्परेचर क्या है और अधिक जो भी आपको कार के इंडिकेट होने वाले हैं आपको इसके अंदर वो सारे शोएंगे। स्टेयरिंग पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग है ये मिल रही है। अपर विंड्स में आपको स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाएंगे और गाइज आपको यहाँ पे मैट ब्लैक रिफिनिशिंग है ये मिलने वाली स्टेयरिंग के ऊपर। आपको इसके अंदर सिंपल म्यूजिक मिलेगा जो कि आपको हरमन का मिलने वाला है। इधर आपको इसके कंट्रोल मिल जाएंगे म्यूजिक के आप देख रहे हैं, और इधर आपको मैनुअल एसी मिल जाएगा विद हीटर के साथ। आपको सिंपल मिरर मिलेगा डे और नाइट के हिसाब से, आप इसको मैनुअली सेट नहीं कर सकते। आपको सनवाइजर मिल जाएंगे कार के अंदर ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, लेकिन को ड्राइवर साइड वहाँ पे आपको वेंटी मिरर ये मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलने वाला है और आपको ये लैंप भी मिला जो कि आपको वाइट बल्ब के अंदर रहने वाला है। यहीं पे आपको डैशबोर्ड पे ग्लो बॉक्स मिलने वाला है जो कि आपको काफ़ी लार्ज रहने वाला है। यहाँ पे आपको डार्क सिल्वर कलर की फिनिशिंग ये मिलेगी। एसी वेंट के ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग ये मिलेगी। साथ में आपको क्रोम का यूज़ है ये किया गया है। टू एयरबैग आपको इस कार अंदर मिलने वाले हैं, ABS प्लस EBD। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, बैक में आपको ड्रम ब्रेक्स और इधर आपको हैंड ब्रेक, मैंने तीन मोड तक को बता दिया है। 6-speed गियर बॉक्स, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलेगा। अपर वेंट्स में आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिलने वाला है और इधर ही आपको एक स्लाइडिंग ऑप्शन मिलेगा। गाइज प्लीज़ आप एक प्रेसा कमेंट करना आपको कार की फर्स्ट रो है वो कैसे लगी। आप देख रहे हैं कार का इंजन कुछ ऐसा मिलने वाला है। गाइज आपको इस कार के अंदर जो फ्रंट का जो पार्ट है ना, काफ़ी आपको इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। खुदा ना खास्ता अगर अपनी कार फ्रंट से कभी टच होती है तो आपके इंजन पे इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा, आगे की तरफ अपनी बॉडी उसका जो प्रेशर है ये होल्ड कर लेगी, इंजन पे आपका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। हमारे और भी कोई पार्ट्स रहेंगे हमारे इंजन वाइज क्या बैटरी वाइज कोई भी अदर कोई भी और भी पार्ट्स हो गए आपके, वो डैमेज नहीं होने वाले। गाइस आपको इसके अंदर जिसकी इंजन की अगर हम देखें, आपको इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी मिल रही है, आपको 1497 CC का आपको इंजन मिलेगा। गाइस अगर हम पावर की तरफ देखें आपको 108.50 BHP की पावर मिल रही है 4000 RPM के अंदर। अगर हम टॉर्क की तरफ देख रहे हैं आपको 260 Nm का टॉर्क मिलेगा 2450 RPM के अंदर। गाइस प्लीज़ बताना कि आपको ये कार इंजन वाइज है वो कैसी लगी। अब चलिए जानेंगे इनसे इनका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इनके शोरूम की लोकेशन क्या है। के द्वारा दी गई जानकारी है कैसी लगी प्लीज़ इन्हें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9996910203 और हमारा शोरूम है टेलमोस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि विद्युत नगर दिल्ली रोड पर गेट नंबर 3 के बिल्कुल सामने है। धन्यवाद। गाइज अगर आपको कोई भी कार चाहिए टाटा की प्लीज़ भैया कॉल करें और भी आपको हरियाणा के अंदर बेस्ट डील ऑफर करवाएंगे। गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और हाँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू। गाइज अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी कभी फॉलो कर लो, आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है। और हाँ गाइज मैं मिलूँगा आप सभी से कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।